Assalamualaikum, good morning and welcome to another episode of Chef de Cuisine by the School of Culinary Arts, Superior University. मैं हूं फरकान लतीफ जौहरी, आपका होस्ट और शेफ फॉर दिस शो. और इस बार के एपिसोड में, लास्ट टाइम का आप लोगों ने एपिसोड देखा तो हमने काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ बुलाए हुए थे एंड मैं उनको बुलाता था एंड दे वुड कुक. और बड़ा एक मज़े का, एक इंटरेस्टिंग सा एपिसोड रहा, तो हमने उसी को आज कंटिन्यू किया है. तो आज दो और लोग आएंगे, ठीक है ना, द सेम पीपल, बट आज वो दो आएंगी और वो दोनों कुक करेंगी साथ में. ऑब्वियसली मैं भी कुक कराऊंगा, सो जनरली दे विल बी हेल्पिंग मी इन शॉर्ट. तो लेट्स कॉल दीज टू पीपल प्लीज विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. प्लीज कॉल मिस निमरा अली एंड आमरा अजमत. दो एपिसोड से मिल रहे हैं, चले आए. इनके घर वालों की हिम्मत है, पाल के इनको रखा हुआ है, इनके घर की हिम्मत है. अगर चलो ठीक है. अच्छा, मैं क्योंकि एक सीनियर शेफ हूँ तो आपने मेरी बात का बुरा नहीं मानना. मैं अक्सर जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं मैं उनको डांट देती हूँ, तो जब आप काम करेंगे तो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी. अगर कहीं भूल जाएं आप तो मैं आपके पास हूँ, ठीक है? डोंट मुझे आप बता सकती हैं मैंने पहला चीज क्या करनी है? अच्छा, तो सीनियर शेफ साहिब, साहिबा, हम ये बात सुने, ये मुझे क्यों नहीं दे रहे आप? आपका है तो मैं शेफ नहीं हूँ क्या? नहीं, ओ सॉरी, बड़ी शेफ. बड़ी शेफ साहिबा, मैं शेफ नहीं हूँ, मैं सीनियर शेफ हूँ, ठीक है? वो शेफ नहीं, वो सीनियर शेफ है. तो देन हमारा ये मेरा ये इसके साथ रह के ना मेरे अपने जो है ना मेरे अपने खराब हो जाएंगे सारी. ये मैंने इनको सिखाया था बांधना. हाँ, आप भी शेफ हैं, जाके अपना लेकर आए. मैं, मुझे लगा था ये छोटा शेफ है, मुझे जरूरत नहीं होगी. सीनियर को बड़ी चीजें दी जाती है. सीनियर होना है तो सीनियर शेफ हो. देखें आपका तरीका अलग है, मैं अपने तरीके से बांधूंगी. थोड़ा स्टाइलिश भी तो लगना चाहिए एक शेफ. या एक शेफ को स्टाइलिश होना बहुत सामने सामने नजर आ रहा है तो ज्यादा स्टाइलिश लगेगा. मैंने इसे छुपाया तो स्टाइलिश नहीं है. नहीं ना यार, कमाल, कुदरत, कमाल. अच्छा, पहला स्टेप मैं आपको बताती रहूंगी, आपने फिक्र नहीं करनी, बस आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं है, घबराना नहीं. आप लोगों ने आज ये वो वाला घबराना है जो आपने घबराना नहीं है, ठीक है? तो अच्छा, हम सबसे पहले हम क्या बनाने लगे आज? एक शेफ की सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि वो बताता है कि हम क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल कर रहे हैं. जी क्या बात है, नहीं बताते तो शहजादी है. सीनियर शेफ साहब बताएंगे हम क्या फिश एंड चिप्स बन रहे हैं. एक मिनट, सीनियर शेफ है ये, सीनियर शेफ है, ठीक है ना? मैं जहाँ जाती हूँ ना उसकी जुबान लड़ती है. सीनियर शेफ है, जहाँ पे शुरू होता है वहीं से किताब शुरू हो जाती है. सीनियर शेफ साहब, ये क्या है? हरे चने हैं, आपको नहीं नजर आ रहा? मटर है. मटर है ये? हाँ. खा के दिखाएं. क्यों ऐसा क्यों है? मैं मेरा शेफ है यार, मेरा रोजा है, मेरा रोजा है. ये जो उन्होंने अच्छा, ये अचारी चने हैं. डेढ़ बजे का रोजा रखा मैंने. अरे रुके रुके, ये वो है, रुके, मुझे याद आ रहा है, जिसका नाम चे से शुरू होता है. इसे इसे कहते हैं केपर्स. केपर्स क्या कहते हैं शेफ? केपर्स. केपर्स, यस. केपर्स की उर्दू मुझे नहीं पता कि केपर्स को उर्दू में क्या निकल जाए. आप यहां से बट नहीं चले जाए मेरी जिंदगी. दीस आर लाइक मोर लाइक यस लाइक चने छोलिया टाइप, बट ये ना थोड़े पिकल्ड होते हैं, मुझे एग्जैक्टली उर्दू में नहीं पता. खट्टे होते हैं. हां थोड़े खट्टे, खा के देख लो यार. नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा. लड़की हो, रोजा है मेरा, पसंद नहीं. मुझे तो खट्टी चीजें बिल्कुल नहीं पसंद. किसने कहा आपको? याद रखिएगा इनका रोजा है, कुछ खाएं तो बताना. हम आज क्या बना रहे हैं ये, क्योंकि ये चलता रहेगा ये. देखिए जहां निमरा ऐसा ना हो, पांच छह गोलियां मैंने पैरोल की अभी ऑलरेडी खा चुका हूं मैं. लेकिन आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बनाने लगे हैं सिंपल क्लासिक डिश, फिश एंड चिप्स. Fish and chips, exactly. A basic, classic, British. It's a British classic. और ये बहुत ज़्यादा खाई जाती थी और हमारे यहाँ पे आजकल वैसे ही बहुत फेमस हुई है फिश एंड चिप्स बहुत ज़्यादा. और क्योंकि सीजन भी है, सर्दी. ये इजाद किसने की थी? ये मैंने इजाद की थी. ये इसने इजाद की थी है ये अभी इतनी सी कल पैदा हुई है, लेकिन इसने ये कल तो नहीं हुई, मैं 25 दिसंबर को पैदा हुई थी. 25 दिसंबर पे पैदा हुई है तो थोड़े दिन हो गए इसके पैदा हुए अभी. 18 साल हो गए मुझे पैदा. अच्छा बातें ना किया करें. देखें एक कुकिंग का एक रूल होता है कि जब आप कुकिंग करते हैं ना तो तब आपका ध्यान ना इधर ना उधर, सिर्फ इधर होना चाहिए. मतलब मैं दो चार गोलियां और खा लूं, ठीक है? कुकिंग पे फोकस करें. हम कुकिंग पे फोकस करेंगे. ओके ठीक है. सबसे पहले हाँ चूल्हा जलाएं. हमारे पास है ब्लैक पेपर, वी नीड ये. अच्छा मैंने दो चीजें रखी, एक बेकिंग पाउडर है, एक बेकिंग सोडा है, ठीक है? वी कैन यूज बोथ ऑफ देम. अगर आपके पास नहीं है तो आप स्विच भी कर सकते हैं, बट द रीजन फॉर यूजिंग दिस इज कि ना आपके बैटर को थोड़ा सा ना और फ्लफी बनाएगा जनरली.
और साथ साथ हमारे पास रेड चिली फ्लेक्स है, हमारे पास सॉल्ट है, हमारे पास केपर्स है, द सेम विद द कॉर्नफ्लावर, मैंने कॉर्नफ्लावर भी इसी रखा हुआ है, प्लस हमारे पास मैदा है, वी हैव दीज पिकल क्यूकम्बर्स या गर्किन्स जो छोटे होते हैं अभी भी मिल सकते हैं, हमारे पास लेमन है, मेयोनेज़ है, टबास्को है, वी हैव द फ्राइज, फिश, शराब भी है, शराब भी नहीं है, ये सोडा है। अच्छा, द रीज़न फॉर यूजिंग दिस सोडा, जो अच्छा ऑनेस्टली जो असल बियर जो बैटर का जो रेसिपी है ना, जो ब्रिटिश रेसिपी है, जनरली जो बैटर की रेसिपी है उसके अंदर बियर डलती है। अच्छा, क्योंकि बियर आपको वो, क्योंकि फोम होता है ना, तो वो आपको एक फोमीनेस देती है ज्यादा, तो इसको खा के बंदा ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि जब आप उसको पकाते हो तो वो अल्कोहल इवेपोरेट्स, बेसिकली अल्कोहल उड़ जाता है, हवा में उड़ जाता है। हां एग्जैक्टली, बट क्योंकि वी कांट ऑब्वियसली यूज बियर, सो वी आर गोइंग टू यूज सोडा। सोडा डज द सेम थिंग, बिकॉज ऑब्वियसली गैस होती है, तो आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। जनरली रेस्टोरेंट्स में या कभी कभी होता है ना, यार खत्म हो गया सोडा, तो आप क्या करना है, तो आप अक्सर कर आप स्प्राइट भी डाल सकते हैं। अच्छा, क्योंकि उसमें गैस होती है ना, तो वो आपको वो गैस नहीं, मुझे पेप्सी डाल सकते हैं, कोक, पेप्सी, हाँ, बट आपको कलर चेंज हो जाएगा बैटरी का, तो इसके अंदर से सफेदी निकलेगी, ओ मतलब सोडा, सोडा वाइट होता है, तो ये है। और फिश, फिश आप कोई भी फिश यूज कर सकते हैं, बट कोई जवाब नहीं, आप अपने काम पे तवज्जो दीजिए, मैं इनको चुप करा दूंगी। होती है जब से काटोगी ना अंदर से, तो वाइट निकलती है, ऊपर से तो गोल्डन होती है ना। चलिए शुरू करें, शुरू करें, चलो हम बैटर के लिए शुरू करते हैं। बैटर के लिए समझ में घड़ी तो आनी पड़ेगी, बिकॉज़ दिस डिस्टर्ब्स, हमें भी कोई काम देना आपने, ठीक है, हम आपका मुंह देखने नहीं आए, आई एम अ सीनियर शेफ, मैं चिप्स ट्राई करती हूं, बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कि मेरा जूनियर काम करे और सीनियर खड़ा रहे, मैं ऐसे नहीं हूं। ये करना है तुमने, ठीक है, ये राइट करना, ये ना पतले स्लाइसेस चाहिए मुझे, ओके, ठीक है, पतले स्लाइसेस, ठीक, आपको पता होगा आप शेफ हैं, तो मैं, ओह यस आई एम शेफ, और शेफ साहब मेरी छुरी प्लीज जरा ध्यान से हाथ ना कटवा लीजिएगा, हां घर से लेकर आओगे, चलेगा, ये इतनी खामोशी क्यों हो गई एकदम से, क्योंकि सीनियर शेफ काम कर रहा है, जरा थोड़ा सा ना खामोश रहते हैं, नहीं इनको भी तंग करना चाहिए ना, जैसे ये आपको तंग कर रही थी। अच्छा, मैं एक एक चीज़ और करूँगा, जस्ट एक हल्का सा, क्योंकि ये फिश है, सो जस्ट बिफोर आई बैटर इट, ठीक है ना, लेमन थोड़ा सा उसके ऊपर जेस्ट, एक बड़ा अच्छा सा एक लेमनी फ्लेवर देगी है, और क्योंकि फिश है और आपको फिश को मैरिनेट करने के लिए ज्यादा लंबी ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं होती है, सो हम क्योंकि ये जल्दी पक जाती है, एग्जैक्टली, और हमने तो लिया भी इसको पतला, मैरिनेट भी जल्दी हो जाती है ना, क्योंकि बहुत नरम सी होती है मछली बेसिकली। ओके, सो जब तक, सो वी आर गोइंग टू गिव दिस लाइक 4-5 मिनट, और जब तक ये मैरिनेट होगी, जुलूस निकल गया, खीरे का जुलूस निकल गया, जूस बन गया बिल्कुल, यार वो है ही जूसी सा, तो उसका जूस से निकलेगा ही ना, जब तक ये इसका फलूदा निकालती है और हमारी फिश मैरिनेट होती है, ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वापस आएंगे, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद आवर फिश एंड चिप्स। यस, सो वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक टू आवर शो, जिसका नाम है शेफ दी कुजीन, मेरे साथ मौजूद है निमरा अली और आमिना अजमल, एग्जैक्टली, ओके, सो ब्रेक पर जाने से पहले हमने क्या किया था, हमारी हमने फिश को हल्का सा मैरिनेट किया था विद सम सॉल्ट, सम लेमन जेस्ट, और क्योंकि इनको थोड़ा सा मिर्चे खाने का शौक है, तो मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स भी इसके अंदर डाल दिए, इस लंबी जुबान को चलाने के लिए स्पाइसी चीजें चाहिए बहुत ज्यादा, मैं मान सकता हूँ ये बात, मैं मान सकता हूँ। अच्छा, हम क्या करेंगे, क्योंकि बैटर का रखा था ये 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 देखो, सीनियर शेफ को सब पता होता है, सीनियर शेफ ये पीस गैस चला दें, जान चाहिए थोड़ा। एक और चीज, जो आपका सोडा हो, मेक श्योर कि आपका सोडा फुल ठंडा हो, तो उसको फ्रिज में रखें, फुल ठंडा हो, और जस्ट ये, और हम एक छोटा सा वेल बनाएंगे, ठीक है, इसको साथ साथ हिला रहे हैं ताकि उसके अंदर घुटियां ना बन जाए, जरा इधर आना, इधर आना, मैंने कहा कि सोडे को इनसे खतरा है, तो मैं खुद ही इधर आ जाऊं, देख लूं थोड़ा सा, बाय द वे इट्स लुकिंग गुड, थैंक यू, थैंक यू, सॉरी, इधर आ, मैं शेफ की हेल्प कर रही हूं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि छुरियां जो है वो आपकी बहुत तेज होनी चाहिए, जैसे मेरी जुबान तेज है, तो इसको जुबान से तेज कर लेना, वो बेचारी रहती है, आगे लाए, ओह माय गॉड, सब इतना एंजॉय कर रहे हैं, और जो निमरा है वो
छुरियां तेज कर रही है। मुझे लगता है कि बचपन में निमरा जो है वो छुरियां तेज करने का काम साइकिल पे जो आते हैं छुरियां तेज करने वाले, है ना, छुरियां तेज करा रहा ये वाली आवाज निमरा की होती थी। इतनी क्यूट है, ये मेरे जैसी है। अच्छा ये आपकी हुई। अच्छा ये बात मुझे लगता है बाकी सच है कि जहाँ पे लड़कियाँ इकट्ठी हो जाए ना तो आपको बहुत, आप चुप हो जाओ, आपको बहुत एंटरटेनमेंट वैसे ही मिलती है, बोलती रहेंगी, चुप नहीं करेंगी। नहीं सर, वैसे मुझे तो बोलने के पैसे मिलते हैं, मैं तो इसलिए बोलती हूँ, उनकी आदत है बोलना। हमारा टैलेंट है बोलना, टैलेंट है बोलना, यस यस टैलेंट बोलना, नहीं ना। इसको डिप करेंगे अच्छी तरह से, पहले इसको डिप करें, फिर इसको ऐसे चलाएं, फिर इसको उसमें डालें। आप कोई भी चीज ऑयल में डालते हैं ना तो अपने से दूर डालनी है, अपने अपने पास ऐसे फेंकनी है कोई भी चीज़, कभी भी, हमेशा रिव्यूज के लिए भी है, वो जो एकदम से ऑयल आपके ऊपर आके जलता है ना, आपके ऑयल बहुत ज़्यादा आ जाता है। सो द बेस्ट वे व्हेन यू फ्राई एनीथिंग ना, अपने से दूर डालें, मतलब कि मेरा पैन ये है, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं इससे डालूंगा मछली, ऐसे ऐसे। ये स्टाइल लगाने में भी कुछ लोग जल जाएंगे। नहीं क्यों स्टाइल लगाने, पहले सीखेंगे ऐसे कैसे करते हैं। नहीं अभी आप देखें ना ये शेफ जी कैसे करेंगे। ओ ऐसे सीधी भी लिटा के उसको कर लें। और छोटा सा ट्रिक, थोड़ा सा बैटर लेंगे, उसके ऊपर डालेंगे, उसके ऊपर डालेंगे, क्योंकि जो उसके ऊपर, क्योंकि जो फिश एंड चिप्स का जो बेस्ट पार्ट होता है ना, क्रिस्पीनेस, क्रिस्पीनेस एग्जैक्टली, तो वो ये हमें क्रिस्पीनेस चाहिए। ठीक है, थोड़ा टेस्ट कर लेंगे शेफ साहब, आप कहते नहीं है, हां अगर हल्की आंच पर, नोट रखना है कि ये हो जाए, इसको मैं फ्राई करूंगी चम्मच से, हिलाऊंगी कैसा, चम्मच से हिलाएंगे, हमने हिला के रखा हुआ है वैसे, इसको चम्मच कहते हैं सीनियर शेफ। मछली गिर गई, हाथ से स्लिप हो गई, लड़की मछली जल की रानी है जी, ये मछली किसका थी या मैं थी, ये ये निमरा ली थी। अच्छा ये देख के खाना होता है कि फीमेल है क्या मेल है। नहीं वैसे मेरा सवाल है ये मछली कह रहे हैं, अगर कोई लड़का होता तो मछला, यार मैंने उसको मारने से पहले पूछा नहीं उससे, नहीं मारते नहीं है, हलाल करते हैं, हलाल करते हैं, हलाल करते हैं, हलाल कर लेंगे हम, करना था। एक मिनट मैं करने को दूंगा, एक मिनट, सिर्फ जो क्रम है ना मैं बस उसको साइड पे कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा हमारी वजह से कहीं टूट ना जाए। क्या क्रम टूटा ही हुआ पहले, छोटे से बिट्स जो थे, और ये हमारा आखिरी पीस है क्योंकि हम तीन लोग हैं तो एक एक हमारा हो गया। नहीं ये तीन पीस है, इनमें से जो एक है वो निमरा का है, जो दूसरा है वो निमरा अली का है, जो तीसरा है वो निमरा अली ऑफिशियल का है, और चौथे मिनट में हम इसको निकाल देंगे यहाँ से। यस, और वो सारे मैं खा लूंगी कैसा, और ये जो खेल रहे हैं ये देखेंगे, ये बैठे हैं बस मुंह देखेंगे, आज ही देखेंगे, आज ही देखेंगे, क्योंकि इनको इन्होंने बनाया भी था खाया भी था, आज बारी है हमारी, हम बनवा भी रहे हैं और खा भी रहे हैं। इनको ये गाना चाहिए, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, मेरी गायकी पे नहीं जाना वरना आपके कान खराब हो सकते हैं। इससे पहले के सर कुछ कहते मैंने खुद ही अपनी तरफ से नहीं बोला, टुमारो द सन विल राइज, यस इट विल राइज अगेन, ऑलवेज डज। मैंने कहां से देखा है, कहां देखा है, यहां से देखा है, कहां से, यहां से, वहां से, यहां पे तो पता ही नहीं है कि सुबह सूरज जाएगा, है ना, नहीं पता, बाकी नहीं पता लोगों को, मेटाफोरिक, मेटाफोरिक मतलब मेटाफोरिक क्या होता है ये बता, मेरी इंग्लिश में बना, ऑल राइट इंग्लिश, या ब्रो, ऑल राइट, ओह माय गॉड, या इंग्लिश, oh my god, I am so English today. I am so English. Okay. अच्छा इसको कितने मिनट तक फ्राई करना है? जब तक वो एक ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता। So depend करता है, मुझे पता था, वैसे पता था। Heat के ऊपर depend करता है, आपकी pan की heat के ऊपर depend करता है, but you need that very nice brown. मुझे पता है, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ। Oh, I am so sorry for that. ठीक है, ओके इसको करते हैं। अच्छा हमारे जब तक ये फ्राई हो रही है, हमने अपने टार्टर सॉस के लिए निमरा ने बेसिकली यार इसको चम्मच दे दें, इसको मैं पकाऊंगी, और इसको अभी हिलाना नहीं है। हाँ मैं नहीं हिलाऊंगी, मैं थोड़ा सा हिला लूं,
आप ही सलाह हिलाने मुझे बड़े शेफ का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा बच्चों को सीखने के लिए मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे जो है वो बड़ों को देखते हैं और खुद कुछ सीखते हैं। माजरत शेफ साहिब, कोई मसला ही नहीं है। साहिबा साहिब भी चलेगा, साहिब भी चलेगा, चलेगा कुछ भी चलेगा। बार बार पुट्ठा क्यों हो जाता है बदतमीज? क्योंकि पकी नहीं अभी, जब पकेगी तो खुद खुद हो जाएगी। आपका हाथ भी नहीं लग रहा, खुद से कहा बदतमीज है वो, ये शरारती मछली थी हमारी तरफ बताए बैटर के लिए हम क्या कैसे नहीं, वो सॉस बनाने लग गए चुप क्यों रही हो, इतना बोल लिया कि अब छुपने वाले काम है। मैंने खंभा में खड़ा किया। ओह माय गॉड इसके पीछे जाने दे। I'm proud of my height, you know। ये व्यूअर्स के लिए है, हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं we eat fish and chips, हम बहुत शौक से खाते हैं। अगर आपके फिश एंड चिप्स क्रम हुए हुए हैं ना, तो वो असल फिश एंड चिप्स नहीं है। आपका फिश एंड चिप्स हमेशा बैटर होता है, हमेशा बैटर में फ्राई होता है, कभी उसको क्रम नहीं करते हो आप, हमेशा बैटर करना है। क्रम इज अनदर रेसिपी, आप कर सकते हो, इट्स द सेम थिंग, बट हम हमारे यहाँ पर रेस्टोरेंट में फिश एंड चिप्स के नाम पर ना धोखा होता है, और मेरे साथ अक्सर का रेस्टोरेंट में होता है। आई लाइक फिश एंड चिप्स, समझ आता है। और वो हाँ, और से वो ना क्रम वाली फिश दे देते हैं, और फिर होता है आज तक धोखा हुआ नहीं मेरा हमारे साथ। क्रम यानी वो रस वगैरह, ब्रेक पे जाने से पहले हमने हमारी फिश जो थी वो हमने बैटर करके फ्राई कर रहे थे, हमने सॉस बनानी है अपने फ्राइज करने, बट हमारी जो फिश है दिस इज डन, सो व्हाट वी विल डू इज देख लेंगे, ठीक है, बटर पेपर रखेंगे और हम इसको, अच्छा बटर पेपर को बटर पेपर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें मक्खन होता है। अच्छा सवाल है ये, हाँ लेकिन थोड़ा स्लिपरी होता है, थोड़ा ना वो उस तरह से होता है, बट ये मैंने भी कभी नहीं देख सुन सर्च किया कि व्हाई डज इट कॉल्ड बटर पेपर। देख लीजिए सवाल करने वाले बहुत सही हैं। ये इसको केक के लिए ज्यादा यूज करते हैं ना, ताकि केक का जो वो बेसिकली जो मुझे जो समझ आती है ना, बटर पेपर इसलिए कहते हैं ताकि आराम से उतर जाता है, चिपकता नहीं किसी चीज के साथ, सो जस्ट कम्स ऑफ वेरी इजीली, जिस तरह प्लास्टिक होता है, एल्युमिनियम होता है ना, कभी कभी फिर भी चिपक जाता है गर्म हो जाता, तो ये चिपकता नहीं है, ये आराम से उतर जाता है, ये जलता भी नहीं है बटर पेपर। ओके सो अगर आप देख सकते हैं, अगर देखो वो जो हमने एक्स्ट्रा क्रम ऊपर डाला था, हाँ। उसकी वजह से ना एक बहुत अच्छा क्रिस्पीनेस, क्योंकि फिश एंड चिप्स की बेस्ट चीज होती है ना, दैट्स द क्रिस्पीनेस फॉर इट, सो एक बहुत मजे की क्रिस्पीनेस। ये खाने के लिए रेडी हो गई, आवाज आएगी कि नहीं? इसको हम रखते हैं साइड पे, ये है आपके चिप्स। अच्छा चिप्स फ्राई करवाए ना मेरे से, करे मैंने हाथ पकड़ के सारे सारे डाल बेटा, सारे कर लो, सारे डाल दो, आराम से डालने हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ लो, जरा बच्चों को नहीं कहते बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, फेंकना नहीं है। आपको बोलने की बारी मिल रही है ना, मुझे काम की बारी मिल रही है। अब मैं तरीके सीनियर शेफ बताएगी कि कैसे जो है वो चिप्स को फ्राई करते हैं, क्योंकि ये जमी हुई है। बहन उसमें डालो आटा, ये देखें इसको पता कैसे, अभी उन्होंने तरीका बताया था कि जब भी आप कोई चीज को फ्राई करें तो उसको ऐसे से डालें। आप लोगों ने सिर्फ मेरी हिम्मत देखनी है, सिर्फ मेरी हिम्मत कि मैं ये डील कर रहा हूँ। ओके जब तक फ्राइज हो रहे हैं, केपर्स गर्किंस मेयोनेज, और अगर थोड़ी थिक है तो यू कैन जस्ट ऐड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर, अगर पानी नहीं डाला तो ना डालें, लेमन जेस्ट। ये छिड़की क्यों, व्हाट इज दिस बिहेवियर शफीक, पूजा व्हाट इज दिस पूजा, कैसा नहीं, सबसे ज्यादा लीमू का जो टेस्ट होता है ना लेमन जूस को निकाल के स्किन के अंदर होता है, अच्छा, बट जो व्हाइट वाला पार्ट है ना वो कड़वा होता है। तो ये औजार क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए? तो मैं नाखूनों से छीलूं उसको कसरत से करके। अच्छा ये तो मैंने सुना है वो टायर पंचर हो जाए तो उसके लिए नहीं इस्तेमाल करते? वही होना, मैंने जिसे कल टायर कराया था अपना, हां पहले की छुरियां तेज करते थे और अब टायर भी, टायर देख ले, क्योंकि मुझे शक्ल देखी देखी सी आई है निमरा के, सारे बिजनेस खुलने लग गए नियो टीवी पे आके।
बस छिलके का इस्तेमाल करेंगे। यस दरअसल मेरी जो चीची है ना वो ऑयल में चली गई थी, तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया है कि ये जो है ये ठंडी है, ये थी सोडा, सोडा था ना, सोडा जो है वो ठंडा है, तो इसको अपनी उंगली पे लगा लो। पर लगाया फिर भी छिलका लगा लिया तो फिर क्या जरूरत है उसका रस निकालने की? बेचारा बेचारे का रस निकाल दिया यार, कितना दुख हुआ उसको। आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे, मैं इनको सिखा रही हूँ। वाकई मैं बहुत ज्यादा सीख गया तो शायद अपने आप को मार लूँ। मरना नहीं है, फिर गंदे काम कर रहे हैं आपने, माफ किया इनको, अभी बच्चे हैं सीखने हैं, बड़ों नहीं तो बच्चे को माफ करना, उनको लगा कि नींबू थोड़ा कम है। तो ये देखो इसको भी मैं सिखा रही हूँ, उसको पता चल रहा है कि अगर सीनियर शेफ बातों में लग जाता है तो आप जो चिप्स को हिला लें। आओ सारे मिलके दो मिनट इसके घर वालों के लिए दुआ करें, दुआएं खैर करें घर वालों के लिए कि उनकी हिम्मत है, ऐसी बच्ची उन्होंने पाल के रखी हुई है, ये हमें बहुत जरूरी है। नहीं लेकिन माशाल्लाह। ओके सो दिस इज नाउ रेडी। थोड़ा सा गंदा काम फिर कर लो, ये तुमने करना है। आगे से बताना है कैसा है, मैं शक्ल नहीं देखनी, कैसा है? इट इज गुड। It is good. Yes. नमक ठीक है? क्या काम है? नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेमन ठीक है? सब ठीक है, सब ठीक है। सीनियर शेफ ने कह दिया, गेस्ट ने कह दिया कि सब ठीक है, तो हम अच्छा ये हो गया हमारा। सीनियर शेफ ने कह दिया कि सब ठीक है, तो हम उसकी बात मान लेंगे। हमारे चिप्स हो गए। Not so सीनियर शेफ, आपके चिप्स हो गए। आपको इतने ही चाहिए, थोड़े से और ब्राउन चाहिए? नहीं बस इतने ही काफी है, ब्राउन हो जाए। थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। देखो सीनियर शेफ को सब पता होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो ना एक पक गई है, इसको निकाल लेते हैं। नहीं रहने दो, रहने दो, कुछ नहीं होगा। खाने के लिए निकाली थी। जितने गर्म खा लोगी? ना करें ना, एकदम से निकालिएगा। ये आपके हाथ नहीं जलते? नहीं। क्यों नहीं जलते? अंदर से मैं काला हूँ, काटता हूँ तो से काला नजर आता है, इससे जल जल के जो ऑयल है सारा निकाल देना, एक्सेस ऑयल। यस और इतने सरफे के रखे हुए ना, थोड़े से फ्राइज ने ऐसे हाँ। ये मैंने अपने लिए फ्राई किए हैं। देखें इसमें बहुत सारी चिप्स हैं, बहुत सारी निमरा की हैं, बहुत सारी निमरा अली की हैं, फिर उसके बाद निमरा अली ऑफिशियल की हैं। गरम है ना, हम इस गरम गरम में ही ऑयल डालेंगे। सॉल्ट डालेंगे ताकि जो है वो सब में मिक्स हो जाए और गरम गरम। थोड़ा सा थोड़ा सा निचोड़ दो ऊपर स्पाइसी लेमन हम साइड पे रखेंगे। खा लो। ओके so now we just have to plate up our dish, aur uske liye hum kya karenge, we are going to use a very classic British way, theek hai? wow which is this. Generally Britain mein, UK mein jab aapko fish and chips milte hai na, to is tarah ki ek basket hoti hai, upar akhbar hoti hai aur uske andar rakhe hote hain, that's the classic way. jab pehle hota tha na fish and chips, kyunki pehle matlab ek bahut staple food tha ye, to tab isi tarah serve karte the, basket ke andar bahar rakhte bas kar do ke hum kha le aur bas kare sir wait karein kar saans lena na bahut zaruri hota hai, theek hai? kyunki jaan hai to jahan hai, jaan hai to jahan. abhi ye saj raha hai aur main ek selfie lungi aur Instagram pe post karungi. Made by me. है ना? झूठ तो रग रग में बसा हुआ है। मैं नहीं ऐसा करूंगी। ओके और अब हम ए ला 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 ये मैं डालूंगा। अच्छा ये डालेगी, इसके अंदर साइड पे लगनी चाहिए। और अगर लग गई तो उसको बाहर निकाल लेंगे, टिश्यू से साफ कर लेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे। हर चीज का हल होता है मेरे पास। ऊपर तक ठीक है, मुझे पता है ऐसे। बस जी काफी हो गया। निम्रा तुम तो उसी में से खा लेना। ये
मुझे लगता है मैं भाइयों का हिसाब ही डाल रही है अपने अलावा। बस 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 ला 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 ये It's looking so good. ये हमने बनाया हो। बिलीव ही नहीं हो रहा। बिलीव ही नहीं हो रहा हमने बनाया ना। मुझे भी नहीं हो रहा। हाँ मुझे हो रहा है। शायद व्यूअर्स का भी ना हो। So this is my fish and chips. मैंने कुछ नहीं किया मैं दूसरे यहाँ पे नहीं आया। हाँ वो कैसे कर सकते हैं? हमने बनाया हमने। सॉरी पूजा। पूजा this is okay. हाँ दिमाग खाने के लिए हम खाए बिना जाएंगे बैठे यार मिलके खाएंगे ना आज 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 आप भी खिलाया था सबसे पहले तुमने खाया था मैंने नहीं खाया था झूठा बोला ऐसा क्या बोला शफीक पूजा इनको छोड़िए आप आ जाइए खाने के लिए ओके सो दिस इज इट फ्रॉम टुडे फ्रॉम द स्टूडियोज ये था हमारा फिश एंड चिप्स अब हम चलते हैं हमारे रिव्यू के सेक्शन की तरफ सो आप जाएं और देखें कि आज मैं किस रेस्टोरेंट का रिव्यू कर रहा हूं यहां से इतना ही टेक केयर अल्लाह हाफिज ओके सो वी आर हियर टुडे विद अनदर रिव्यू और आज हम आए हैं एक पिज्जा पार्लर पे दिस इज़ द न्यूज़ एडिशन इन द पिज़्ज़ा इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की है ये वहाँ पे एक सबसे एक बड़ा न्यूज़ एडिशन है और पाकिस्तान में पिज़्ज़ा का ना बहुत ट्रेंड है हम बहुत शौक से पिज़्ज़ा खाते हैं पिज़्ज़ा इज़ वन ऑफ दोज वेरी नाइस ईजी कम्फर्ट फूड मेरे लिए ना वो एक संडे वाली चीज़ होती है कि आपका एक संडे लेजी दिन है और आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है और आप आराम से पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो मेरे लिए पिज़्ज़ा इज़ लाइक दैट सो द प्लेस इट्स कॉल्ड पापा जोन्स और इनको ऑलमोस्ट पाकिस्तान में ऑलमोस्ट तकरीबन आई थिंक दो साल हुए अ बिट मोर देन टू ईयर्स तो वी आर हियर टुडे हमने सोचा कि यार लेट्स गो देयर एंड ट्राई देयर पिज़्ज़ा और उसका रिव्यू देते हैं आपको बताते हैं कि इनका पिज़्ज़ा कैसा है बिकॉज इंटरनेशनली देर आर वेरी वेल नोन चेन एंड नाउ देयर पाकिस्तान देर क्वाइट रनिंग काफ़ी अच्छे रिव्यू सुने हैं मैंने सो लेट्स टेस्ट द पिज़्ज़ा एंड गिव यू द रिव्यू is honestly happiness pizza ek khushi hai jo hamesha mujhe dekhna hai ki bachcha wali muskurahat nahi hoti wo aati pizza dekh ke because pizza is one of my favorite things in the world aur jis tarah aapko pata hai main pehle bhi kaha I'm a big fan of thin crust pizza not a thick crust pizza but we have this is not that thick this is like their original crust unke paas do crust hai they have that original crust and then they have a thin crust so for me the only pizza in the world that exists is a thin crust but we're going to try this Before I give you a final review, okay, how the pizza was, I would like every one of you to go to our YouTube, our Facebook, हमारे Instagram पे जाएं. Plus, आपको ESR की तरफ से जितने discounts available हैं, उन सब का एक link आ रहा होगा, तो उस link पे click करें. Gooder restaurants and the cafes and avail your discounts. Yeah, what are you waiting for? And now towards the review of the pizza. That was amazing. It was really good. Even though I'm not a big fan of a thick crust, but जो कि पिज्जा के अंदर जो मेन चीज़ होती है ना दैट्स द डो इफ द डो इज गुड आई मीन द पिज्जा वुड बी गुड द टॉपिंग्स आर द सेम यू हैव द टोमेटो सॉस यू हैव द चीज इट्स एवरीथिंग इज राइट इट्स जस्ट द डो सो द डो थी ना द डो वॉज वेरी नाइस है मतलब इट हैड द परफेक्ट क्रस्ट इन द बॉटम इट हैड द परफेक्ट च्यूइनेस यू कुड सी द वो जो एयर पॉकेट्स होते हैं ना डो के अंदर बिकॉज ऑफ द यीस्ट जो होती है उसके अंदर सो यू कुड सी दोज एयर पॉकेट्स सो इट वॉज वेरी फ्लफी जस्ट मेल्ट्स इन योर माउथ So it was really good. It was really good. Plus, मुझे फ़हीदा के ऊपर जो that white sauce, that the ranch sauce जो थी ना, it just brings everything together. और pepperoni, it's a classic. So you can't, honestly, you can't go wrong with a pepperoni pizza. If you mess up a pepperoni pizza ना, that means there's something wrong with you. So overall, I would say this was really nice. I would recommend everyone के वो Papa John's आए, इनका pizza try करें, and then हमें review दे कि आपको इनका pizza कैसा लगा या आपकी favorite pizza place क्या है.